हे वेलकम बैक आई एम सर फ्रॉम इंस्टीट्यूट दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे पता है क्या बिना वो कैबलरी का ना स्पोकन नहीं हो पाएगा आप हमेशा बोलते हो ना सर अंग्रेजी बोलना है लिखना आना चाहिए तो कैसे आएगा बच्चे पहले वो कैब तो जरूरी है ना तो मैं आपको वो कैबलरी के लिए एक ऐसा दे रहा हूँ टेक्निक जिसके माध्यम से आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा आप आसानी के साथ कोई भी अंग्रेजी बोल पाओगे लिख पाओगे और वो कैब तो आपको यूं ही याद हो जाएगा चुटकियों में मेरे साथ बस एक बार इस वो कैब को तरीके से देखिए और सारा वो कैब आपको अभी एक सेकंड के अंदर आपको याद हो जाएगा बस एक बार करना क्या है कि इस वीडियो को बार बार देखना है जितनी बार देखोगे ना उतना वो कैब आपका अपना हो जाएगा जितनी बार करोगे ना वो कैब आपका गुलाम हो जाएगा बस एक बार मेरे साथ लग करके वो कैब याद करो चलिए देखते हैं पहला शब्द पहला शब्द है इंजीनियस इंजीनियर्स इंजीनियर्स का का मतलब होता है चतुर, मतलब चालाक, इंजीनियर्स जीनियस इंजीनियर्स जीनियस अब क्या हुआ इसको याद कैसे करेंगे जीनियस लोग तो इंजीनियर्स जीनियस बस लिंक करो मेरे साथ इंजीनियर्स जीनियस इंजीनियर्स जीनियस तो जो लोग जीनियस होते हैं ना वो क्या होते हैं चतुर होते हैं चालाक होते हैं तो इंजीनियस जीनियस इंजीनियस जीनियस तो जो लोग जीनियस होते हैं बड़े चलाक होते हैं बड़े चतुर होते हैं तो इंजीनियस जीनियस जीनियस लोग बड़े चलाक होते हैं बड़े चतुर होते हैं तो इंजीनियस को लिंक कहां से किया हमने जीनियस से तो आपको याद हो रहा है इंजीनियस जीनियस इंजीनियस जीनियस तो जीनियस लोग बड़े चलाक और चतुर होते हैं अगला शब्द देखते हैं माइजरेबल माइजरेबल का मतलब होता है हालत यानी माइजर माइजर कहते हैं कंजूस को तो माइजरेबल देख रहे हो फोटो फोटो याद करो फोटो को फटाफट इस फोटो के माध्यम से आप लिंक करो इस वीडियो के माध्यम से आप याद करने का प्रयास करो माइजरेबल मतलब माइजर माइजर यानी जो लोग माइजर होते हैं कंजूस होते हैं उनकी हालत बड़ा दयनीय होती है तो माइजरेबल को याद कैसे किया माइजर लोग की हालत दयनीय होती है तो माइजरेबल क्या हुआ दयनीय जिनकी हालत खराब हो माइजरेबल है यानी कि बिल्कुल ही माइजरेबल है पैथेटिक है डिजेक्टेड है तो माइजरेबल माइजर लोग जो कंजूस लोग होते हैं उनकी हालत दयनीय होती है नेक्स्ट पर देखते हैं डेरीजन डेरीजन का मतलब उपहास डेरीजन कहते हैं मजाक को डेरीजन याद कैसे रखोगे डेरीजन का मतलब मजाक उड़ाना हास करना उपहास करना डेरीजन कहलाता है इसको याद रखो डेरीजन कोई भी तो रीजन दो मजाक क्यों उड़ा रहे हो आखिर मजाक उड़ाने का रीजन क्या है मजाक उड़ाना मजाक उड़ाने का रीजन बताओ कारण बताओ तो रीजन डे रीजन रीजन दो मजाक क्यों उड़ा रहे हो तो डे रिजन को याद करो डेरिजन से तो डीजन रीजन डे रीजन रीजन यानी मजाक उड़ाने का क्या रीजन है मुझे रीजन बताओ तो डिरीजन का मतलब मजाक उड़ाना हास करना उपहास करना अगला वर्ड है गैरिस गैरिस का मतलब होता है भड़कीला गैरिस भड़कीला गैरिस ड्रेस पहन लिया आपने ड्रेस कैसा पहन लिया भड़कीला ड्रेस तो गैरिस आप में इस लड़के का नाम है गिरीस गिरीस पता है क्या करता है भड़कीले ड्रेस पहन लेता है तो गैरिस गरीस गैरिस गिरीस गिरीस ना भड़कीले बस पहन लेता है तो गैरिस ग्रीस ग्रीस जो है भड़कीले कपड़े पहनता है कुत्ते बुते भोंक रहे हैं तो ग्रीस ने ऐसा कपड़ा पहना कि आज कुत्ते भोंक रहे थे तो गैरिस ग्रीस ग्रीस कैसे पहनता है भड़कीले बस पहनता है तो गैरिस ग्रीस ग्रीस कैसा पहनता है भड़कीला बस यानी कि ग्रीस ने ऐसा बस पहना कि उसको कुत्ते लग गए पीछे यानी भड़कीला बस था याद हो रहा है कि नहीं बस याद करो मेरे साथ तो गैरिस ग्रीस भड़कीले बस पहनना बेक्वेत अगला शब्द क्या है बेक्वेत बेक्वेत का मतलब होता है किसी को दे देना का मतलब बसियत कर देना किसी के नाम कर देना बेक्वेत कहलाता है यानी बेक्वेत मतलब देना दान कर देना बसियत कर देना लिख देना बेक्वैत कहलाता है अब बेक्वेत क्या कैसे रखें तो बेक्वेत बिका था यानी आपने माल बेका था बेचा था बेक्वेत बेका था बेक्वेत बेका था बेकुत बेका था मेरे साथ बोल कुम बैठे हो मेरे साथ बोलो मेरे साथ बोलो तब याद होगा मेरा कलम लेके लिखो बोलो लिख तब याद हो जाएगा बेक्वेत बिका था यानी जो माल बिका था ना तो बसियत करना पड़ेगा ना आपने जमीन बेच दिया तो बसियत करना पड़ेगा ना तो दूसरे को दे देना बसियत करना बेक्वेत कहलाता है बेक्वेत मतलब बिका था बसियत करने को बेच दिया था नेक्स्ट बढ़े इन टोटो इन टोटो का हिंदी होता है पूर्णता इन टोटो इन टोटल इन टोटो इन टोटल इन टोटो इन टोटल पूर्णता है टोटल है टोटल है इन टोटो है टोटल है पूर्णता है यानी कोई भी चीज पूर्णता हो पूरी तरह से हो उसको इन टोटो कहते हैं इन टोटो पूर्णता इन टोटो पूर्णता मतलब पूरी तरह से नेक्स्ट वर्ड है मेरिटोरियस क्या है बेटा मेरिटोरियस तो मेरिटोरियस कहते हैं गुणवान को जिसका गुण भरा हुआ है गुणवान है बिल्कुल ही विद्वान है मेरिटोरियस है इसको याद कैसे करें मेरिट मेरिट नहीं बोलते उसका मेरिट बहुत है यार मेरिटोरियस मेरिट यानी जिनके पास मेरिट होता है ना दिमाग होता है ना वो विद्वान होते हैं मेरिटोरियस मेरिट वाले लोग विद्वान होते हैं मेरिटोरियस मेरिट मेरिटोरियस गुणवान मेरिटोरियस मेरिट वाले लोग विद्वान होते हैं गुणवान होते हैं मेरिटोरियस मेरिट मेरिटोरियस मेरिट जिनके पास मेरिट होता है ना वो विद्वान होते हैं गुणवान होते हैं मेरिटोरियस मेरिट वाले लोग विद्वान होते हैं मेरिटोरियस मेरिट वाले लोग नेक्स्ट है रोट रोट का मतलब याद कर लेना तो रोट रट रोट रट रोट रट 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 के याद कर रहा है रोट कर लिया रोट कर लो इस सारे वो कैब को रोट कर लो रट लो रोट रट रोट रट इसको रट करके याद कर लो रोट कर लो रट कर लो रोट कर लो रट कर लो यानी रट करके याद करना रोट कर लाता है तो सारे वो क्या किया रोट कर लिया रट कर लिया रट्टा मार गया नेक्स्ट वर्ड है अबियांस अभ्यांश का मतलब होता है सो अवस्था में अभयांश नहीं बोलते चार मित्र गए यान में यान मतलब एरोप्लेन में घूमने के लिए मस्ती करने के लिए अब एक मित्र यान में सो गया एक ने कहा अबे यान में कोई सोता है अबे यान में कोई सोता है एरोप्लेन में कोई सोता है अभियांश अभियांश मतलब सुप्त सुप्त हो गया सुस्त हो गया सो गया आलसी हो गया तो अभयांश अबेयान में कौन सोता है तो अभयांश अभियान में कुछ होता है भला तो अभ्यांश का मतलब सुप्त अवस्था सोया हुआ अभ्यांश कहते हैं सुप्त अवस्था को अभ्यांश बोलते हैं सोया हुआ अवस्था को तो अभ्यांश सुप्त अवस्था नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिट लिम्पिट का मतलब स्पष्ट लिम्पिट कहते हैं पारदर्शी को बिहार में एक फैशन है लोग बोलते हैं लंपट लड़का है तो लिम्पिड है लंपट है लिम्पिड है लंपट है तो लिम्पिड का मतलब स्पष्ट बोल देना लिम्पिड लंपट यानी बिल्कुल ही लंपट बोलता है स्पष्ट बोलता है पारदर्शी बोलता है क्लियर बोलता है अब एक बार मेरे साथ सारे वर्ड को दोहरा लीजिए आपको याद हो जाएगा बोले मेरे साथ इंजीनियर्स का मतलब याद हुआ कि नहीं बोलो ऐसे नहीं छोड़ूंगा बिना बुलवाए नहीं छोड़ूंगा बोलो मेरे साथ इंजीनियर्स का मतलब जल्दी बोलो इंजीनियर्स का मतलब चतुर चालाक इंजीनियर्स अगला वर्ड है माइजरेबल माइजरेबल का मतलब दैनीय बहुत अच्छा बोल रहे हो माइजरेबल दैनीय हालत डेरीजन डेरीजन जल्दी बोलो उपहास मजाक उड़ाना डेरीजन अगला वर्ड है गैरिस भड़कीला गैरिस ग्रीस ने भड़कीले बस पहन लिए गैरिस, ग्रीस भड़कीले बस पहनना बेकवेत बसियत करना बेक्वेत बिका था किस लिए बिका था बसियत करने को बेकवेत बसियत कर देना इन टोटो जल्दी बोलो तुम तुम्हारा नंबर है इन टोटो मतलब क्या बोला पूर्णता बिल्कुल सही बोला पूर्णता अगला वर्ड बोलो मेरिटोरियस का मतलब मेरिटोरियस गुणवान बहुत अच्छा गुणवान अगला वर्ड बोलो रोड का मतलब रोड का मतलब रट कर याद करना बहुत अच्छे अगला वर्ड बोलो एवयांस का मतलब सुप्त अवस्था सर सोया हुआ बहुत अच्छे अगला वर्ड है लिम्पिड लिंपिड का मतलब लंपट लोग स्पष्ट बोलते हैं बहुत अच्छा तो बच्चे ये सारे वो कैब ना आपको याद कर लेने हैं जब सारे वो आप याद करोगे तो आपका वो दीवाना हो जाएगा और आप वो कैब के दीवाने हो जाएंगे और फिर स्पीकिंग में राइटिंग में जहाँ मर्जी हो वहाँ यूज़ करो इसके साथ साथ मेरे बच्चे जहाँ भी चाहते हो ना वो कैबलरी आप यूज़ करो इसके साथ साथ अब दिल्ली दूर नहीं रहा अब दिल्ली आ करके भी आप पढ़ सकते हो डी में क्लास ले सकते हो फेस टू फेस क्लास कर सकते हो इसके साथ साथ आप दिल्ली नहीं आ सकते तो घर बैठे भी आप क्लास ले सकते हो जहाँ आप हो अपने मोबाइल पर अपने डी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है वेबसाइट पे जाना है और जा कर के आप पूरा क्लास पढ़ सकते हो ले सकते हो घर बैठ के भी क्लास कर सकते हो मैं तो कहता हूँ दिल्ली आ जाओ अब दिल्ली दूर नहीं है और आ कर के आई कॉन्टैक्ट देकर के साथ पढ़िए और फिर जीवन में जो चाहते हैं प्राप्त करिए थैंक यू वेरी मच